मणिपुर में हिंसा के दौरान मरने वाले 87 लोगों के शवों को दफना दिया गया है। इन सभी को बुधवार 20 दिसंबर को सामूहिक रूप से दफनाया गया। चूराचांदपुर जिले के सहकेन स्थित खुगा बांध के पास इन शवों को दफनाया गया। इन हिंसा पीड़ित मृतकों के लिए तुई बोंग के पीस ग्राउंड में शोक समारोह भी आयोजित किया गया। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में 17 दिसंबर को ही दो आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें करीब 30 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद से चूराचांदपुर जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में बुधवार का पूरा कार्यक्रम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में करवाया गया। मणिपुर की इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेती और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच मई 2023 में जाते हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। इनमें से करीब 87 शव 8 महीने से अलग अलग मुर्दाघरों में रखे हुए थे। ये सभी मृतक कुकी जो समुदाय से जुड़े थे। 87 शवों में से 41 शव पिछले हफ्ते इम्फाल के मुर्दाघर से लाए गए थे, जबकि 46 शव चूराचांदपुर में ही रखे थे। बुधवार को जिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया उनमें सबसे बुजुर्ग 86 साल के थे, जबकि सबसे छोटा 1 महीने का बच्चा था। इससे पहले 15 दिसंबर को कांगपोकपी जिले में 19 हिंसा पीड़ितों को दफनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में मुर्दाघरों में रखे शवों को दफनाने या दाह संस्कार करने के लिए 28 नवंबर को निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि जो भी शव मुर्दाघरों में रखे हुए हैं और जिनकी पहचान हो चुकी है उनका अंतिम संस्कार किया जाए। कोर्ट का कहना था कि मई 2023 से मणिपुर में हिंसा हो रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सही नहीं होगा कि शवों को शव गृह में रखे रहने दिया जाए। शवों के नाम पर मामले को हमेशा गर्म नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने दाह संस्कार या दफनाने के लिए जिन 9 जगहों की पहचान की है वहाँ बिना किसी बाधा के शवों का अंतिम संस्कार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बाद शवों को दफनाने का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में जांच, राहत, उपचारात्मक उपायों, मुआवजे और पुनर्वास की जाँच के लिए अगस्त 2023 में हाईकोर्ट के 3 पूर्व जजों न्यायमूर्ति गीता मित्तल, न्यायमूर्ति शालिनी जोशी और आशा मेनन की एक समिति बनाई थी। इस समिति की रिपोर्ट पर शीर्ष अदालत ने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को दफनाने या दाह संस्कार करने के निर्देश जारी किए थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 175 शव दफनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं और उनमें से 81 पर रिश्तेदारों ने दावा किया है, 88 पर किसी ने दावा नहीं किया और 6 की पहचान नहीं हुई है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए थे हमारे साथी अभय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।